तो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर, क्योंकि इसका जो 2024 का नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब ये राजस्थान सफाई कर्मचारी कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट कब से है, एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म फी कितना लगने वाला है, एज इसमें कितना है, आपको वैकेंसी कितना, वैकेंसी पद कितना आया हुआ है और इसमें एलिजिबिलिटी कितना है, इसे फॉर्म को हम लोग कैसे भरे, क्या इसमें में आपको एग्जाम होगा या सीधे आपको इसमें नौकरी मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से हम लोग बताने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी तक मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने जो टेलीग्राम है उस चैनल उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार जो है यहाँ पर आपको जो सफाई कर्मचारी पद के सीधे भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2024, यानी कि आपको ये जो वैकेंसी आई है आपको मतलब एग्जाम कोई देना नहीं, आपको सीधे ये वैकेंसी आपको इसमें एक नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर कितने सीट हैं, तो यहाँ पर आपको कुल सीट मिल पूरा टोटल कर्मचारी का सीट है यहाँ पर 23,820 मतलब पदों पर भर्ती सीधे तरह से आया हुआ है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको डेट दिया गया है, यहाँ पर 7/10/2024 यहाँ पर हमने हेडलाइट कर चुके हैं पहले ही से, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर अंतिम डेट आपको 6/11/2024 को रात में आपको मतलब 23 यानी 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे तक इसको भरा जाएगा, ठीक है। 6 तारीख 11वां महीना में आपको इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपको अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो रहा है, जैसे आप फॉर्म भर चुके हैं, आप पहले से ही फॉर्म भर चुके हैं और उसमें फॉर्म भरने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स या नाम आपको गलत हो चुका है, अगर कोई फादर के नाम या चाहे आपका नाम या कोई भी, तो इसको सुधारने के लिए आपको डेट मिला हुआ है, ऑप्शन मिला हुआ है आपको 11/11/2024 में, यानी 11वां महीना 11 तारीख को आपको से शुरू होगा, यानी कि 25/11/2024 तक आपको भरने का मतलब सुधारने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो जनरल से हैं उनको 600 रुपया, अदर स्टेट से हैं तो उनको भी 600 रुपया लगेगा। और यहाँ पर आपको जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आपको 400 रुपया लगेगा, विकलांग हैं या दिव्यांग है उनको 400 रुपया लगेगा। यहाँ पर आपको सुधारने के लिए फॉर्म अगर आप सुधार रहे हैं, अगर गलती हो गया नामों, तो आपको 100 रुपया राशि लगेगा, ठीक है, आपको 100 रुपया देना होगा। और यहाँ पर आप एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1/1/2025 से आपको पहले एज लिमिट मतलब अगर इससे पहले आपको 18 साल पूरी जा रहा है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल मतलब वैकेंसी यहाँ पर इतना आ चुका है और यहाँ से आप आकर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप लाइव ऑनलाइन यहाँ पर आपको अभी जो लिंक यहाँ पर अभी दिया गया नहीं है, आप यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप इसका जो राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्म भरने का मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से इजीली जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।